नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। भारत में कोरोना केसों के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,64,000 केस सामने आए हैं और 315 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कई स्टडी और एक्सपर्ट्स ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को कम घातक बताया है, लेकिन अब इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने भारत के लिए डराने वाली चेतावनी जारी की है। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2022 की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन को लेकर भारत के लिए चेतावनी दी गई है कि जैसा कहर भारत ने दूसरी लहर में झेला था, ठीक वैसा ही कहर फिर से झेलना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ेगा और ऐसे में दूसरी लहर जैसी स्थिति फिर सामने हो सकती है। अपनी इस रिपोर्ट में यूएन ने कहा कि जब भारत में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के साथ दूसरी लहर आई थी, उस समय करीब 2,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ऐसा होने से भारत की इकोनॉमी भी काफी हद तक प्रभावित हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने अब एक बार फिर से भारत को चेताया है कि ठीक वैसे ही हालात एक बार फिर से पैदा हो सकते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में ये साफ नहीं किया गया कि ये हालात ओमिक्रॉन की वजह से ही बनेंगे, और यदि हालात बनते भी हैं तो कितनी मौतों का अनुमान है। इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहा गया है कि लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसों की वजह से दक्षिण एशियाई देश भी परेशान हैं। इस महामारी के चलते देश 2030 तक अपने प्रस्तावित लक्ष्यों को हासिल करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उम्मीद से कम वैक्सीनेशन से इन देशों में भी कोरोना रोकने में परेशानी आ रही है। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार इन देशों को इस महामारी से निपटने के लिए कमजोर कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2023 के अंत तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में 26% से भी कम लोगों का पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो पाया है। वहीं श्रीलंका, भूटान, मालदीव में 64% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। इधर भारत में भी कोरोना के केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां दूसरे दिन भी 2.5 लाख नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 46,406 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली की बात करें तो वहां 28,867 नए केस मिले हैं। इसके अलावा कर्नाटक में 25,005, पश्चिम बंगाल में 23,467 और तमिलनाडु में 20,911 कोरोना के केस मिले हैं। वहीं कल एक ही दिन में कोरोना से संक्रमित 315 मरीजों की मौत भी हुई है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।